हरे कृष्णा राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हैं आपकी सखी वृंदा देवी दासी। हर वैष्णव भक्त के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशा है भगवान की कृपा से आप सब स्वस्थ और सुखी हो। तो चलिए आज हम आप सब के लिए लेकर आए हैं ठाकुर जी का प्यारे से लड्डू गोपाल जी का एक अद्भुत घटना जो कल ही हमारे जीवन में घटित हुआ है। सच कहूँ तो ठाकुर जी का ऐसा लीला हमें दर्शन करने को मिलेगा ये हमने कभी नहीं सोचा था, लेकिन भगवान का कृपा है इसीलिए उनका दर्शन हमें मिला और उनका लीला भी हम दर्शन कर पाए। आशा है आज का ये लीला कथा आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। जिन माता जी के जीवन में ये घटना घटित हुआ है उन माता जी को हम जानते भी नहीं पहचानते भी नहीं, बस ये घटना हम सब के आँखों के सामने हुआ तो इच्छा हुआ आप सबके साथ थोड़ा शेयर करते हैं। कुछ दिनों से हमारा तबीयत थोड़ा सा खराब था तो हमारे प्रभु जी ने हमसे कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। यही सोचकर कल हम जा रहे थे डॉक्टर के पास और यही कहकर हम और हमारे प्रभु जी बस में चढ़ बैठे। कुछ ही दूर जाने के बाद ही एक माता जी बस में आई। बस के ऊपर आकर वो हमारे पास खड़ी हो गई। बस में थोड़ा भीड़ था इसीलिए वो कंडक्टर से बात करने लगी कि आपने मेरा लगेज अच्छे से रख तो दिया ना। कंडक्टर ने कहा, हाँ हाँ मैडम जी, आपका सब कुछ हमने ठीक ठाक से रख दिया है, आप चिंता मत कीजिए, कुछ दूर जाकर आपको सीट मिल जाएगा, वहाँ बैठ जाना। उस माता जी ने ये सब कहा तो हम सुन रहे थे और जब सब लोग शांत हो गए तो हम फिर से माला जाप करने लगे। हम माला जाप कर रहे थे इसीलिए वो माता जी बार बार हमारे तरफ देख रही थी, क्योंकि बस के अंदर माला जाप शायद उन्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा था। लेकिन हम दिल से मानते हैं भगवान के लिए नाम करो, संकीर्तन करो, माला जाप करो, इसके लिए समय की या स्थान की जरूरत थोड़ी ना होती है, भगवान का नाम तो हम हर वक्त कर सकते हैं। यही सोचकर हम माला जाप कर रहे थे, माता जी भी हमें देखकर माला जाप करने लगी। लेकिन तभी उनके जीवन में घटित हुआ एक अद्भुत घटना। अचानक से ही वो कंडक्टर से कहने लगी, मुझे बस से उतारो, मुझे बस से उतारो, अभी डिग्गी खोलो, मुझे अपना बैग लेना है। कंडक्टर कहने लगे, अरे क्या हुआ, क्या हुआ आपको, क्यों चिल्ला रहे हो ऐसे। लेकिन माता जी को कुछ सुनना ही नहीं था, वो बस यही कह रही थी, अभी मुझे बस से उतारो, अभी मुझे बस से उतारो, मुझे मेरा लाला चाहिए, मेरा लाला तो डिग्गी में है। यही सब कहकर वो माता जी चिल्लाने लगी। माता जी को देखकर कंडक्टर भी थोड़ा हैरान और परेशान हो गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था माता जी को हो क्या गया, और बस में और भी जो सारे लोग थे वो भी सब हैरान और चौंकित हो गए। लेकिन सच कहूँ तो माता जी ने जब कहा मेरे लाला मेरे बैग में रह गए, तभी हमें समझ में आ गया कि माता जी अपने लड्डू गोपाल जी को लेने के लिए ही इतना परेशान हो रही है, क्योंकि वो बार बार कह रही थी मेरा छोटा वाला बैग भी डिग्गी में रह गया, मुझे मेरा बैग चाहिए, उस बैग में मेरे लाला है, लाला बहुत रो रहे हैं, डिग्गी में पूरा अंधेरा है, जल्दी से निकालो मेरे लाला को। उनके इस हालत को देखकर बस ड्राइवर ने बस को रोक दिया। वो जल्दी से बस से उतर गई और भागते हुए डिग्गी की तरफ गई। कंडक्टर ने उनका जो दो बैग था उनमें से एक छोटा सा जो बैग था वो बैग उन्हें निकाल कर दे दिया। ये सब क्या हो रहा था किसी को समझ में आए ना आए, लेकिन हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था कि उनके छोटे वाले बैग में उनके लाला है। गलती से उन्होंने अपने बड़े से बैग के साथ छोटे से बैग को भी रख दिया था। लाला को पाकर वो रोए जा रही थी और उन्हें बहुत ही प्रेम और लाड दुलार कर रही थी। बार बार बस अपने लाला से कह रही थी, लाला तुझे बहुत कष्ट हुआ, लाला तुझे बहुत कष्ट हुआ, कैसी माँ हूँ मैं भूल गई कि तुझे मैंने डिग्गी में छोड़ दिया, मुझे माफ़ कर दे लाला, मुझसे गलती हो गया, मुझे माफ़ कर दे। यही कहकर वो अपने लाला को अपने सीने से लगाए रोए जा रही थी। अब हमसे रहा नहीं गया तो हम उनके पास गए
और उनसे पूछने लगी, क्या हुआ माताजी, क्यों आप इतने परेशान हो रहे हो? वो कहने लगी, देखो ना, मेरे इस छोटे से बैग में मेरा लाला था, बस मैं उठने में परेशानी होगा इसीलिए मैंने उसे बैग में डाला था, लेकिन मैंने गलती से डिग्गी में मेरा दोनों बैग ही छोड़ दिया। मेरे लाला को कितना कष्ट हुआ, वो कितना रोए। माताजी रो रही थी तो हमने कहा, माताजी आप शांत हो जाइए, अब तो लाला आपके पास है ना, तो आप चिंता मत कीजिए, आगे से थोड़ा ध्यान रखना कि लाला को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे ही पूरा रास्ता उन माताजी के साथ बात करते करते हम आ गए। वो भी अपने लाला को गोदी में लेकर लाड दुलार करती रही और कुछ ही देर में हम भी बस से उतर गए। लेकिन ऐसा घटना हमारे जीवन में हमारे आंखों के सामने घटित होगा ये हमने कभी नहीं सोचा था। माताजी ने गलती से अपने बैग को डिग्गी में रख दिया था, लेकिन उन्होंने बाद में अनुभव किया कि उनके लाला को कितना कष्ट हो रहा है, कितनी परेशानी हो रही है, इसीलिए वो ऐसे प्रेम में डूब गई और रो रही थी। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अंत में लाला माताजी के पास आ गए और माताजी भी शांत हो गई और हमें भी लाला का ऐसा प्यारा सा चमत्कार देखने को मिला। वो तो हमारे लाला है, हमारे दुख को हरने वाले हैं, उन्हें कैसा कष्ट। लेकिन फिर भी भक्त के मन का प्रेम जो होता है ना, वो तो हमें सब कुछ अनुभव कराता है, क्योंकि लाला तो प्रेम के कारण ही अपने भक्त को पहचानते हैं, है ना? अब आप बताइए, आज का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा प्यारा लीला कथा श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, हर रोज़ प्यारा प्यारा वीडियो और लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ। सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हरि बोल।